मर जाऊं मांगू नहीं मैं तन अपनी री काज, और गौ माता री कारण मन मांगत अवे नहीं ला। मर जाऊं मांगू नहीं मैं तन अपनी री काज, और गौ माता रे कारण मांगत अवे नहीं लाज। साल में 364 दिन के बीच जाने के बाद हम सभी लोग आपसे मांगने के लिए आते हैं, और उसी आप लोगों के अनुदान के द्वारा पूरे एक वर्ष हमारी गौ माता की रक्षा होती है, हमारी गौ माता की जितनी भी पूर्ति होती है उसमें वो राशि खर्च की जाती है। तो मैं चाहता हूँ दिल खोल करके अपनी जेब के अंदर सबसे बड़ा जो नोट है वो आप निकालेंगे इस भजन पर, और गौ माता की मैं मंच पर विराजे हुए सरस्वती के पुत्रों से भी निवेदन करता हूँ, कलाकार बंधुओं से भी मेरी ये निवेदन रहेगी कि यदि संतों ने दिया है तो आप लोगों को भी देना अवश्य है। कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ इस रचना पर आप झोली लेकर सभी भक्तों तक पहुंचे। जय धरती माँ जय गो माता, जय धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महा। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। जय धरती गुजरा है मंत्र महा। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण, सुखद सुमंगल विश्व गौ माता की झोली लेकर आ रहे हैं, और आप बिल्कुल इनका स्वागत कीजिएगा जिस प्रकार से भी बन पड़े, लेकिन गौ माता का यह कार्य है, इस यज्ञ में आप सभी आहुति जरूर देते रहें। बताया है गौ की सेवा स्वयं प्रभु भी करके कहलाए गोपाल, हलको धारे चले तपस्वी युग युग से धरती के लाल, मां सृष्टि से पावन नाता आनंदित करते रसमान, सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। हमारे सनातन धर्म का एक दर्शन इन शब्दों में कवि लिखता है, गौ में धरती ही देती है अमृत भरपूर, गौ में धरती ही देती है अमृत युक्त फसलें।
हर सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सनातन संस्कृति की नौजवानों ने ये बीड़ा उठाया है कि फलां गांव में फलां गौरक्षक मित्र मंडल, फलां नवयुवक मित्र मंडल, और इस प्रकार से ये नौजवान हिल मिलकर गौ की सेवा करते हैं। गौ सर रंग सण गौ संवर्धन सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जय धरती जय धरती जय धरती माता गूंज रहा है मंत्र महा। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। सुखद सुमंगल विश्व कामना जीव मात्र का हो कल्याण। मुकेश जी ने मेरे कान में कहा थोड़ा आगे जाकर के भक्तों को जगाओ कि लोग बाग 10-10 रुपए डाल रहे हैं, तो 10 रुपए से भाई साहब पूरे साल के चारे की व्यवस्था होगी नहीं। और वो क्या है कि रोडवेज बस में कंडक्टर बैठा है, उसने एक आदमी से बोला मैडम के टिकट, तो उसने बोला स्टाफ
तो बोले भाई तू कौन सी बस में काम करे, कौन सी डिपो में काम करे, कंडक्टर है, ड्राइवर है, स्टाफ की करो है? वो बोले भाई थारो भी काम मांगने रहो, मारो भी काम मांगने रहो, तू बस रे अंदर मांग रही हो, मैं बस रे बाहर जाऊ लेने मांगूला। आज अपन दोनों स्टाफ है, हम भी यहाँ पर कोई कॉमर्शियल रूप से नहीं आए, तो इसलिए मैं चाहता हूं एक बार हाथ ऊपर करके बताइएगा किन किन लोगों ने दान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। प्रश्न ये नहीं है मित्रों कि आपने दान कितना दिया, प्रश्न ये होता है कि दान दिया कि ना दिया। क्योंकि आज ये बार बार भक्तों को जगाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये गायों की भजन संध्या करके पैसे एकत्रित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शब्दों को सुनिएगा। जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, जो सबको दूध पिलाती है उसका ही खून बहाया, धिक्कार है उसको जिसने गौ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है, जो सबको जीवन देती है उसका ही बंद कर डाला, हे गोविंदा गोपाला, हे गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला, हे गो